गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर मेगास्पोरेंजियम। इससे पूर्व में हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट कि किस प्रकार से पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन मैच्योर जब होगा तो उससे मेल गैमेटोफाइट किस प्रकार से बनता है, आज हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरेंजियम। वेलकम टू ऑल। गाइनोशियम या जायांग, यानी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, ये हम सभी जानते हैं। फ्लावर में हमने पढ़ा है ये कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रूशियम बोलते हैं और गाइनोशियम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ये एक या एक से अधिक कार्पल्स का बना हुआ होता है। ये देखिए इस डायग्राम में दिस इज ओवरी, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। टिपिकली अगर हम ये देखें कि कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल, जिसमें प्रॉक्सिमल पार्ट जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम अंडाशय बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। और एक सबसे ऊपर का पार्ट होता है विच इज डिस्टल पार्ट और पोलन रिसेप्टिव पार्ट होता है, जहां पर पोलन ग्रेन्स आकर गिरते हैं, पोलन ग्रेन्स आकर चिपकते हैं। दैट पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक पार्ट होता है ट्यूब लाइक, एक फिलामेंट लाइक पार्ट होता है जो कि स्टीराइल होता है, जो बंध्य होता है, उसे हम वर्तिका या स्टाइल बोलते हैं। ये इस प्रकार से एक कार्पल की संरचना है। तीन पार्ट्स हैं, ओवरी, स्टिग्मा, और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक स्टाइल होती है। ओवरी के अंदर बहुत सारे प्लेसेंट ओव्यूल्स पाए जाते हैं। अगर हम टीएस काटते हैं इसका तो ये देखिए ये इसी का है, एक ओवरी का टीएस काटा हुआ है। ये देखिए ये इसके चैम्बर्स हैं, दीज चैम्बर्स आर कॉल्ड लॉक्यूल। इन जहां ये चैम्बर्स आपस में मिलते हैं उस जगह को हम प्लेसेंटा बोलते हैं, बीजांड न्यास बोलते हैं। बीजांड और इनके लॉक्यूल्स के अंदर जो ये वाइट कलर की संरचना नजर आ रही है, दीज आर ओव्यूल्स। ठीक है, तो ये एक इसकी अगर हम टीएस काटते हैं ओवरी का तो इस प्रकार की संरचना हमें नजर आती है। सेंटर में प्लेसेंटा है, ये लॉक्यूल्स हैं, ठीक है, और इनके ऊपर ये ब्लैक कलर के जो है ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो ये मैं आपको बता चुकी हूं, टिपिकली कार्पल के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है अप्रॉक्सिमल ओव्यूल बियरिंग पार्ट ओवरी, डिस्टल पोलन रिसेप्टिव पार्ट जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आकर गिरते हैं या पोलन ग्रेन्स को जो रिसीव करता है, जो ग्रहण करता है वो है स्टिग्मा, और जो एक मीडियन स्टीराइल पार्ट होता है जो इन दोनों पार्ट्स को जोड़ के रखता है उसे हम स्टाइल कहते हैं। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं और ये ओव्यूल्स जो हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कम्प्लीट होने के पश्चात सीड्स में परिवर्तित हो जाते हैं, बीज जो बीज का निर्माण करते हैं। अब एक ओव्यूल की संरचना किस प्रकार से होती है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये देखिए एक एंजियोस्पर्मिक जो ओव्यूल है, डायग्राम के अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको मैं। ये देखिए ये डायग्राम है, एक एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है वो मुख्यतः इसमें एक सेंट्रल बॉडी होती है। ये देखिए ये दिस इज कॉल्ड न्यूसीलस, ये सेंट्रल बॉडी है,
इसे हम न्यूसीलस कहते हैं। ये सेंट्रल बॉडी जो है ये बेसल स्टॉक से अटैच रहती है प्लेसेंटा से, ये पार्ट जो है यहाँ इधर बताती हूँ मैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूसीलस। ठीक है, ये इसके अंदर एक बेसल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम फ्यूनिकल कहते हैं। ये बेसल स्टॉक बाय विच इट इज़ अटैच्ड, इस फ्यूनिकल जो है फ्यूनिकल से या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से ये प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है, इस पार्ट को हम फ्यूनिकल कहते हैं। मेन जो बॉडी है सेंट्रल पार्ट इसका वो न्यूसीलस कहलाता है। अब न्यूसीलस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए। न्यूसीलस इज प्रोटेक्टेड एंड एनक्लोज्ड बाय वन और टू शीट्स, इसके दो या तीन शीट से या आवरणों से ये ढका हुआ होता है। इन आवरणों को हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, ये आवरण जो है वो इंटेग्यूमेंट्स कहलाते हैं। और द ओपनिंग इन द इंटेग्यूमेंट्री शीत वेयर टिप ऑफ द न्यूसीलस इज एक्सपोज, यानी कि जहां पर न्यूसीलस की टिप जो है वो एक्सपोज होती है बाहर की तरफ, उस एरिया को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। नाउ व्हाट इज माइक्रोपाइल? माइक्रोपाइल वो पार्ट है जिससे कि न्यूसीलस जो है बाहर की तरफ इंटेग्यूमेंट्री शीथ को क्रॉस करके बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होता है, उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसी तरह से बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल वेयर न्यूसीलस इंटेग्यूमेंट्स और फ्यूनिकल, ये तीनों मर्ज होते हैं, जहाँ पर ये तीनों पार्ट जो हैं बेसल पार्ट जो है जहाँ तीनों पार्ट ये मर्ज होते हैं उस पार्ट को हम चेलेजा कहते हैं, यानी कि न्यूसीलस इंटेग्यूमेंट्स और फ्यूनिकल, ये तीनों पार्ट्स जहाँ मर्ज होते हैं उसे हम चेलेजा कहते हैं, यानी कि जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल से अपोजिट साइड पे जो है वो चेलेजा प्रेजेंट होता है। फ्यूनिकल तीनों पार्ट्स जो वहाँ पे मर्ज होते हैं वहाँ पर इसे हम चेलेजा कहते हैं। ये देखिए यही जो है एंजियोस्पर्म, सेंट्रल बॉडी न्यूसीलस, बेसल स्टॉक फ्यूनिकल, न्यूसीलस जहाँ से प्रोटेक्ट होता है जिन दो वन और टू शीथ से प्रोटेक्ट होता है उसे हम आवरण या इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, और इंटेग्यूमेंट्री शीथ जहाँ और उसको क्रॉस करके जहाँ से न्यूसीलस बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होता है एक्सपोज्ड होता है उस पार्ट को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। और बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल बी आधारी भाग ओव्यूल का जहाँ न्यूसीलस इंटेग्यूमेंट्स और फ्यूनिकल तीनों मर्ज होते हैं उस पार्ट को हम चेलेजा कहते हैं। ये डायग्राम हमने देख लिया। नाउ एम्ब्रियो सैक क्या होता है? एम्ब्रियो सैक जो कि न्यूसीलस से बनता है, यानी कि भ्रूण कोश जो न्यूसीलस से बनता है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं ये देखिए, ये पूर्व के डायग्राम में यहाँ पे दिखा रखा है, ये देखिए। एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक में टोटल 8 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई होते हैं। इसमें इन 8 न्यूक्लियाई में 3 जो होते हैं वो चेलेजल एंड पर हैं, जिन्हें हम एंटीपोडल्स कहते हैं। ये देखिए, तीन जो कि चेलेजल एंड पल होते हैं, इन 8 न्यूक्लियाई में से 3 न्यूक्लियाई जो कि चेलेजल एंड पर हैं उन्हें हम एंटीपोडल्स कहते हैं। एंटीपोडल्स कहते हैं, और 3 जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड पर हैं, इन्हें हम ये मिलकर बनाते हैं एग एपरेटस, ठीक है। और जो दो मीडियन हैं, दो
मध्य में है ये, ठीक है, ये जो है वो कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। चेलेजल एंड वाले जो है वो एंटीपॉडल्स कहलाते हैं, जो माइक्रोपाइलर एंड के हैं वो एग एपरेटस उनको बोलते हैं, और जो मध्य के हैं उन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। एग एपरेटस अब क्या है, एग एपरेटस में एक तो वन एग प्रेजेंट, और दो जो हैं उन्हें हम साइनर्जिड्स बोलते हैं। ये तीनों मिलकर एग एपरेटस का निर्माण करते हैं, यानी कि एग एपरेटस में जो कि तीन न्यूक्लियाई जो माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट हैं, जिन्हें हमने एग एपरेटस कहा है, ये एग एपरेटस में एक न्यूक्लियाई जो है वो एग का काम करता है, और दो जो होते हैं वो साइनर्जिड्स का काम करते हैं। और एग क्या है, एग को हम फीमेल गैमीट भी कहते हैं, एग रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमीट। ठीक है, समझ आ गया। टोटल एट न्यूक्लियाई है एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमिटोफाइट है जो कि न्यूसेलस से बनता है। एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल आठ न्यूक्लियाई होते हैं। तीन न्यूक्लियाई चेलेजल एंड पर हैं, जिन्हें हमने एंटीपॉडल्स कहा। तीन न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड पर है जो कि एग एपरेटस का काम करते हैं। एग एपरेटस में एक एग होता है जो कि मेल फीमेल गैमिट होता है, और दो साइनर्जिड्स होते हैं, और मध्य में दो मीडियन पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से ये आठ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं एक एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये वही जो मैंने आपको बताया, पढ़ के दोबारा से बता देती हूँ। एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमिटोफाइट। टिपिकल एम्ब्रियो सैक के अंदर आठ न्यूक्लियाई, तीन एंटीपोडल्स, तीन एग एपरेटस, दो जो है पोलर न्यूक्लियाई का काम करते हैं। एग एपरेटस में एक एग होता है और दो साइनर्जिड्स होते हैं, और एग जो है इट रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमिटोफाइट। नाउ दिस आर द टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स जो कि इंपॉर्टेंट है। माइक्रोपाइल एंड चेलेजल, चेलेजा की पोजीशन जो कि ग्रोइंग अवस्था कंप्लीट करने के बाद बनती है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोपाइल एंड चेलेजा, इन दोनों की पोजीशन के रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से ही ओव्यूल्स की छह टाइप्स, ओव्यूल्स को छह टाइप्स में रिकग्नाइज किया गया। ये टाइप्स हैं नंबर वन ऑर्थोट्रॉपस, या हम इसे एट्रॉपस भी बोलते हैं, ऑर्थोट्रॉपस या एट्रॉपस। इसमें क्या है, ओव्यूल की जो बॉडी है वो अपराइट होती है, माइक्रोपाइल सबसे ऊपर, फिर चेलेजा और फ्यूनिकल, ये तीनों एक सिंगल लाइन के अंदर होते हैं, दे फॉल इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस। एट्रोपस ओव्यूल्स जो है ऑलमोस्ट 20 फैमिलीज एंजियोस्पर्म की टोटल की ऑलमोस्ट 20 फैमिलीज के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल पॉलीगोनेसी, पाइपरेसी एटसेट्रा। सेकेंड टाइप आती है, ये देखिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम, सेकेंड टाइप इज एनाट्रोपस। एनाट्रोपस क्या है, ये फ्यूनिकल की यूनिलेटरल ग्रोथ होने के कारण पूरी ओव्यूल की जो बॉडी है वो 180 डिग्री पे टर्न हो जाती है। फ्यूनिकल की यूनिलेटरल ग्रोथ होने के कारण जो ओव्यूल की पूरी बॉडी है इट इज इन्वर्टेड थ्रू 180 डिग्री। इससे क्या होगा, माइक्रोपाइल कम्स क्लोज टू फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल जो है फ्यूनिकल के पास में आ जाता है, और न्यूसेलस जो है इट रिमेन्स स्ट्रेट। चेलेजल एंड तो वैसे भी अपोजिट होगा, इस तरह से माइक्रोपाइल एंड चेलेजा लाइन इन वन लाइन, माइक्रोपाइल और चेलेजा है एक लाइन के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। एंड फ्यूनिकल लाइज पैरेलल टू इट, ये इसके पैरेलल है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, और बहुत सारी डाइकोटिलिडनीज और मोनोकोटिलिडनीज फैमिलीज में दोनों में ही पाया जाता है। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप।
इट इज मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है, इट इज एनाट्रोपस. नाउ अनदर इज एम्फीट्रोपस. एम्फीट्रोपस में क्या होता है, इनकी एनाट्रोपस ओव्यूल की तरह बॉडी थोड़ी सी कर्व्ड होती है, ठीक है. यहां क्या है, एम्ब्रियो सैक विद इन द ओव्यूल आल्सो बेंड्स. जो एम्ब्रियो सैक भी है अंदर का वो भी बेंड हो जाता है और ये हॉर्स शू शेप्ड बन जाता है. एम्फीट्रोपस के अंदर ये जो है वो हॉर्स शू शेप्ड बन जाता है. बॉडी इसी प्रकार से बेंड होती है जैसे कि एनाट्रोपस ओव्यूल में होती है, बट यहां पर क्या होगा, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है दैट आल्सो बेंड्स और ये हॉर्स शू शेप्ड बन जाएगा. एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स जो है मुख्यतः लोगिनिएसी, एलिसमेसी, इन टाइप्स की फैमिलीज के अंदर पाया जाता है. नेक्स्ट टाइप आती है कैम्पाइलोट्रोपस. कैम्पाइलोट्रोपस में क्या है, इस टाइप के ओव्यूल्स में बॉडी तो कर्व्ड होती है पर ये कर्वेचर जो है वो एनाट्रोपस ओव्यूल से कम होता है. कर्वेचर इज लेस देन एनाट्रोपस. एनाट्रोपस ओव्यूल से ये कर्वेचर जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है. इस प्रकार से माइक्रोपाइल एंड चलेजा आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन. माइक्रोपाइल और चलेजा जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं होते हैं. दिस इज माइक्रोपाइल. चलेजा जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होते और फ्यूनिकल लाइज एट राइट एंगल्स टू द चलेजा. ये देखिए फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल है तो इस प्रकार से फ्यूनिकल चलेजल एंड के पैरेलल एट राइट एंगल हो जाती है. कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल्स जो है वो कैपेरिडेसी और चीनोपोडिएसी फैमिली के अंदर पाए जाते हैं. कर्वेचर तो होता है लेकिन एनाट्रोपस से कम होता है तो माइक्रोपाइल और चलेजा जो है वो एक सिंगल लाइन के अंदर नहीं होते. नाउ नेक्स्ट इज हेमी एनाट्रोपस या हम इसे हेमीट्रोपस भी बोलते हैं. हेमीट्रोपस में क्या होगा, इस प्रकार में बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज टर्न्ड थ्रू 90 डिग्री. यहाँ पर ओव्यूल की बॉडी जो है वो 90 डिग्री के अराउंड हो जाती है. इट इज हॉरिजोंटली प्लेस्ड इन द फ्यूनिकल. ये फ्यूनिकल है तो ये इसके हॉरिजोंटल पोजीशन के अंदर आ जाती है. माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलेजल एंड है. यहाँ पर माइक्रोपाइल और चलेजा और एक हॉरिजोंटल लाइन के अंदर आ जाते हैं. ये हॉरिजोंटल लाइन के अंदर आ जाते हैं और फ्यूनिकल लाइज एट राइट एंगल टू दिस लाइन. यहाँ पर ये माइक्रोपाइल है, ये चलेजा है, ये फ्यूनिकल है तो फ्यूनिकल इसके राइट एंगल पर आ गई और माइक्रोपाइल और चलेजा जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आ गए. हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल्स जो है वो रेनन्कुलेसी और प्रिमुलेसी फैमिली के अंदर जो प्रिमिटिव फैमिलीज हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. नाउ लास्ट टाइप आती है इसके अंदर सरसिनोट्रोपस. सरसिनोट्रोपस में क्या है, फ्यूनिकल बहुत लंबी होती है, इज़ वेरी लॉन्ग और कंप्लीटली ये ओव्यूल की बॉडी को एनसर्कल की तरह घेर लेती है. जो डार्कर पोर्शन दिखाई दे रहा है ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल ने पूरी तरह से इसको ढक लिया, इसको कवर कर लिया, एक सर्कल की तरह कर लिया. दिस टाइप ऑफ ओव्यूल अकर्स इन प्लम्बिजिनेसी जिसमें प्लम्बैगो आता है, कैक्टेसी जिसमें ओपंशिया और फाइलोकैक्टस आते हैं. इस प्रकार से दीज आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. सबसे कॉमन सबसे पहले आता है एट्रोपस जिसमें माइक्रोपाइल, चेलेजर और न्यूसिलस एक ही लाइन के अंदर होते हैं. देन एनाट्रोपस, एनाट्रोपस में माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल आसपास होते हैं और चलेजा उसके अपोजिट पोजीशन में होता है. एम्फीट्रोपस में थोड़ा एम्ब्रियो सॉक भी सैक भी जो है हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है. कैम्पाइलोट्रोपस में माइक्रोपाइल और चलेजा एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं. हेमीट्रोपस में फ्यूनिकल एट राइट एंगल टू माइक्रोपाइल एंड चलेजा और माइक्रोपाइल और चलेजल जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर होते हैं और 90 डिग्री पे ये होती है इसमें. और सरसिनोट्रोपस के अंदर क्या होता है, फ्यूनिकल जो है वो कम्प्लीटली इट कर्व्ड अराउंड, ये एक कम्प्लीट सर्कल बना लेती है अराउंड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल. दिस टाइप ऑफ ओव्यूल ये जो पाया जाता है प्लम्बिजिनेसी और कैक्टेसी के कुछ मेंबर्स के अंदर पाया जाता है. तो ये ओव्यूल्स की टाइप है. तो नेक्स्ट ये इसका डिस्क्रिप्शन है और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है. थैंक यू.